वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेन टॉपिक पे जो बिटकॉइन से रिलेटेड है, जिसका नाम है बिटकॉइन माइनिंग और क्रिप्टो माइनिंग। तो मेरे जो मेन जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, वो ये कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है, चीन ने बिटकॉइन पर प्रतिबंध क्यों लगाया। बिटकॉइन जैसे कि आप रिसेंटली न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, बिटकॉइन 55 लाख से नीचे आके अभी 24 लाख तक पहुंच चुका है, इतना नीचे गिर चुका है। तो कुछ अर्जेंट अपडेट्स हैं बिटकॉइंस के बारे में जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत अच्छी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझें। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे भी और भी चैनल्स खुल गए हैं, बहुत सारे हैं, लोगों ने बहुत ग्राफिकली लोगों को समझा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में, आप इस पर इन्वेस्ट कीजिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन वो यूँ रहा है कि जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आज वो बहुत ही लॉस में चल रहे हैं। एंड दैट द वन रीज़न, यू नो, एक्चुअली पीपल आर इन वेरी, यू नो, वेरी मच लॉस। सो काफ़ी नुकसान भी लोगों को हो रहा है इस वजह से। सो आई जस्ट वॉन्ट टेल यू कि आप एक बार इनको समझ लीजिए कि एक्चुअली आप जो इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो इनकी जो बिटकॉइन को चला रहे हैं, उन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। दैट्स द रीज़न, यू नो, एक्चुअली आई स्टार्टेड विद दिस चैनल। और स्पेसिफिकली जो मेरे हिमाचली भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी पर भी अपनी मेहनत का, जो खून पसीने की कमाई का पैसा है, वो ऐसे हवा ना लगाएं, क्योंकि बहुत नुकसान झेल रहे हैं लोग इस वक्त, जिन्होंने फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में पैसा लगाया था जब बिटकॉइन का जो रेट था काफ़ी हाई था। और बहुत लोगों ने ये सोचा था कि आज हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डबल, 4 गुना 10 गुना हो जाएगा। लेकिन आज उसका उल्टा ही हो रहा है। जो उन्होंने 1 लाख रुपये लगाया था, आज वो शायद 10,000 या 15,000 के बीच में रह गया है। सो दैट्स द रीज़न, मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना हार्ड एंड मनी यहाँ वहाँ ना लगाए, इसको समझिए आप एंड अकॉर्डिंगली यू इन्वेस्ट योर मनी। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो व्हाट इज़ क्रिप्टो माइनिंग, व्हाट इज़ बिटकॉइन माइनिंग, ये होता क्या है, हाउ डज इट वर्क। यू नो, आपको पता है माइनिंग जो होती है, जैसे सोने की खदान, कोयले की खदान, दूसरे बहुत सारे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, जिनकी माइनिंग की जाती है, ज़मीन से निकाला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो में, गोल्ड माइन है, कोल माइन है, तो अलग अलग होती है। इसी प्रकार से बिटकॉइन की भी माइनिंग होती है, लेकिन इसका एक तरीका होता है। ये बिटकॉइन जो है, ये टेक्निकली वही लोग करते हैं जिनके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्ट हैं, सो दे डू दैट। सो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो होती है, और द क्रिप्टो माइनिंग इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांजेक्शन फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर वेरीफाइड एंड एडेड टू द ब्लॉकचेन डिजिटल लेजर, ऑल्सो नोन एज द क्रिप्टो कॉइन माइनिंग, ऑल्ट कॉइन माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग और बिटकॉइन माइनिंग। लेकिन इसको बिटकॉइन के नाम से ज़्यादा जाना था, क्योंकि सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी था वो बिटकॉइन ही आया था 2008 और 2009 में, और उसके बाद से ये प्रचलन में चला हुआ है। छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, बैंक में जाते हैं पासबुक लेके, जैसे आप बैंक में जाते हैं, आपकी पुरानी एंट्रीज जो होती हैं वो आपके सामने होती हैं, नई एंट्रीज आप जब उस पासबुक में डालते हैं, वो जो नई एंट्रीज पासबुक में होती हैं वही माइनिंग है। कहने का मतलब है कि आपकी एंट्रीज तो पड़ी हुई हैं, पर आपको नई एंट्रीज भी तो क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो जो नई एंट्री आप क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग, वो माइन हो रही है, उस पर छप रही हैं वो, ठीक है। तो एक ये हो गया ऐसा एक हिस्सा ऐसा कि इसे हम क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। अभी क्रिप्टो माइनिंग जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एल्गोरिदम है, मतलब इसको आप यूज़ करने के लिए, इसे चलाने के लिए आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। इजीली कोई उठ के ऐसा बोलेगा कि मैंने माइनिंग करनी, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और इसमें कुछ हैश फंक्शंस, यू नो, ये जो आप देख रहे हैं ना, हैश फंक्शन क्या होते हैं, हैश फंक्शन जो होते हैं वो एल्गोरिदम्स हैं, एक मैथमेटिकल प्रोसेस, जिसमें मैसेज और टेक्स्ट को हम एक स्ट्रिंग या डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये सारे के सारे एसोसिएट होते हैं एक ब्लॉक से, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का एक डेटा रहता है। सो अब होता क्या है कि ये जो माइनर्स होते हैं, इसको ये इनको माइन करने के लिए इनको मिलता कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, जो भी माइनर बिटकॉइन माइनर जो माइन करेगा तो उसको उसमें जो भी ट्रांजेक्शन फीस हो रही है,
जो भी बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी फीस होती है, ट्रांजेक्शन फीस, एक तो उनको वो मिलती है, दूसरा एक लॉटरी मतलब होता है ना कि हर पूरे वर्ल्ड में लोग लगे हुए हैं बिटकॉइन को माइन करने में, लेकिन बिटकॉइन 10 मिनट में माइन करना होता है और वो 10 मिनट में वही माइन करेगा जिसका एल्गोरिथम मैथमेटिकल जो उसके फंक्शन है वो पूरे होंगे, या वो उसको पूरा कंप्लीट कर पाएगा, और लॉटरी साहब किसी एक को ही मिलेगा, सबको नहीं मिलता है ये। अब इसके अपने अपने प्रोसेस हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत डीप हैं, उसमें अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। सो आप इसको समझिए कि ये एक टिपिकली बहुत मैथमेटिकली एन एल्गोरिदम, अगर उसको चेक किया जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ, माइनिंग इज़ ए कम्प्लीट कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। पीपल हु हैव स्टार्टेड दिस, यानी इंडिया में काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड मोस्ट ऑफ देम आर यू नो लॉस, बिकॉज इसको इसको स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 10 लाख से 20 लाख का इसका इन्वेस्टमेंट होता है, हाई एंड कंप्यूटर्स चाहिए, एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है इसका, जिसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। दूसरा देखें पर्पज़ क्या था बिटकॉइन माइनिंग का, बिटकॉइन माइनिंग क्यों, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि निकालते तो हैं इसको बिटकॉइन के लिए, पर मेन पर्पज़ क्या होता है इसके साथ, पर्पज़ भी जुड़ा हुआ है कि इसमें कोई छोटी मोटी एनोमलीज, कोई इसमें जो कहते हैं ना दोष, कोई गलतियाँ, या फिर इसके इसको कहीं इसके पैटर्न चेक करने हैं, कोरिलेट करना है बहुत बड़े डाटा से, और बहुत सारी टेक्निक्स इसमें यूज़ होती हैं, इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप, आई मीन जो इनके जो यूज़ कर रहा है, रिड्यूस रिस्क एंड मोर। बिटकॉइन रिलाइज ऑन माइनर्स टू रिकॉर्ड इन वैलिडेट ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इनहेरेंट इन एनी सिस्टम ऑफ डिजिटल करेंसी। दैट मीन्स कि कोई भी डिजिटल करेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने बहुत मतलब सही सोच के आपको जो मैंने इसमें पूरा अपना जितना मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से आपको समझाऊंगा, और बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। एक डबल स्पेंडिंग आपने टर्म सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं आपको बताता हूँ डबल स्पेंडिंग क्या होता है। जैसे कि जय है, जय ने आपको 500 रुपये का नोट दिया, और वही 500 रुपये का नोट जय ने आपने जय को दिया, और जय ने वो 500 रुपये का नोट जॉनी को दे दिया, लेकिन अब जॉनी को कैसे पता है कि वो 500 का नोट जो है वो असली है या नकली है। फिजिकल वर्ल्ड, मेरे हाथ में, मैं जब मुंबई में था, एक आदमी मेरे पास 100 रुपये का नोट दे के चला गया, कुछ काम से ट्रांजेक्शन किया तो दे के चला गया, मुझे मैंने वो 100 रुपये का नोट देखा, मुझे लगा 100 रुपये का नोट सही लग रहा है, लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो साइड मुझे उसके जो प्रिंटिंग थी कुछ गड़बड़ लगी, दैट मीन्स वो नोट नकली था। तो ऐसे ही इन द रियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, कोई आपको नोट दे के जा रहा है 500, 2000, 10 रुपये का, 100 रुपये का, जो भी नोट दे के जा रहा है, मे बी वो असली हो या नकली हो, आप उसको जज करना बहुत देखना पड़ता है, समझना पड़ता है आपको उस चीज़ के लिए। बट इन डिजिटल वर्ल्ड ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनर्स जो होते हैं ना वो एक बैंक टेलर्स होते हैं, जिसने बैंक में काम किया वो उसको पता है बैंक टेलर्स क्या होते हैं, जो कैश में बैठा है, कैश दे रहा है, कैश दे रहा है, वो हर एक चीज़ चेक करेगा, वो चेक करेगा कि अप्रोप्रिएट सिग्नेचर्स हैं, अकाउंट नंबर्स हैं उसके, उसके कस्टमर आईडीज हैं, उसका प्रोफाइल देखेगा, और जो वो कैश लेके आ रहा है कुछ उस चीज़ को वो चेक करेगा। यानी बिटकॉइन में ऐसा होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हर चीज़ से देखा जाता है। तो हमने समझ लिया कि माइनिंग नेसेसरी क्यों है, हम अगले नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे अपने, जो इसका नाम है ड्रॉबैक्स। एक मिनट, उससे पहले हमको बताना था कि वाई चाइना हैज़ बैंड क्रिप्टो माइनिंग। अभी आपने 20 जून की खबर आई थी जिसमें चाइनीज़ अथॉरिटी ने क्रिप्टो माइनिंग बंद कर दी है। रीज़न बताता हूँ क्यों उसने बंद किया है माइनिंग करने का। चाइनीज अथॉरिटीज हैव टोल्ड ऑल क्रिप्टो माइनिंग टू स्टॉप साइट इन स्पेकुलेशन रिस्क एंड पावर कंजप्शन कंसर्न। पावर कंजप्शन, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये बिटकॉइन का फॉर्म है जो कि माबियान ऑटोनोमस काउंटी है चाइना के सिचुआन, सिचुआन प्रांत में, बहुत बड़ा इनका ये प्रोविंस है सिचुआन, वहाँ पर इनकी ये हाइड्रो पावर स्टेशन है, स्पेसिफिकली आप देखोगे तो बिटकॉइन के लिए ही बनाया गया है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन हो रहा है, इसीलिए उनको वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स में क्लोज करने पड़ रहे हैं अपने बिटकॉइन के। अब जिसमें होता है माइनिंग ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, बिकॉज इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है इनका, वायु वायुमंडलीय जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें इनको बहुत लग रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब बाकी रियलिटी ये जानते हैं कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये है कि इसमें जो क्रिप्टो माइनिंग होती है इसमें काफ़ी सारा
पावर कंजम्पशन लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें हैवी पावर कंजम्पशन की यूज़ होती है। एक बिटकॉइन निकालने के लिए ही आप मान लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कितने किलो वॉट, उसमें कहते हैं कि 53 डेज़ एक घर की जो बिजली होती है वो लग जाती है। US में एक घर में अगर 53 डेज़ की लाइट है तो वो एक बिटकॉइन माइन करने में लगती है, आप समझ लीजिएगा। तो ये एक रीज़न है जिस चाइना ने जो बंद किया था उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसमें बहुत सारे जो माइनर्स हैं वहाँ से उठ के कहीं और चले गए हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ बिटकॉइन माइनिंग, होता क्यों है बिटकॉइन माइनिंग, करने से नुकसान क्या है। सबसे बड़ा तो यही है कि जो माइन कर रहा है, माइनर है, उसके पास डेटा पूरा है। क्या हो नहीं सकता कि वो अपने डेटा को गलत इस्तेमाल कर ले, फ्रॉड कर ले, अपने डिजिटल वॉलेट से और अपनी कीज़ को कहीं और यूज़ कर सकता है, किसी और जगह वो जो डेटा जिस पे काम कर रहा है कहीं और बेच भी सकता है, दे भी सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न और द ड्रॉबैक्स ऑफ द बिटकॉइन माइनिंग। इन क्लाउड माइनिंग द ऑपरेशंस ऑफ माइनर बिकम वल्नरेबल एंड ट्रांसपेरेंट। अब जो वो कर रहे हैं वो वल्नरेबल भी है क्योंकि उनकी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी होती है, क्योंकि जो उनसे करवा रहा है, जो जिस काम में वो लगे हो, माइनर माइनिंग कर रहे हैं बिटकॉइन की, वो आगे भी तो उनको कहीं ना कहीं बतानी है। तो दैट दैट बिकम्स यू नो वल्नरेबल एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है क्योंकि उनको हर चीज़ सामने रखनी पड़ती है, एंड देर इज़ नो कंट्रोल एंड सपल, फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है क्लाउड माइनिंग में, कॉम्प्लेक्सिटी है। गेटिंग स्टार्ट इन द वर्ल्ड ऑफ बिटकॉइन माइनिंग इज़न्ट ईज़ी, जैसे मैंने कहा आसान नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वन बिटकॉइन ट्रांजेक्शन टेक 1544 किलोवाट पर आवर टू कंप्लीट, और इक्विवेलेंट की 53 डेज ऑफ पावर ऑफ द एवरेज US हाउस होल्ड, जिसे मैंने आपको बता दिया। फिर मैं आपको बताऊँ, स्पेशली बिटकॉइन इज इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव प्रोसेस, इतना ईजी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हार्डवेयर कॉस्ट है, स्कैम्स हो रहे हैं इसमें, स्कैम्स होते भी हैं, हो भी रहे हैं। बीच में आपने देखा कॉइन, कुछ ऑल्ट कॉइन निकाले और बाद में क्लोज करके उन्होंने अपनी वेबसाइट क्लोज करके लिख दिया कि आप हमें पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। दैट हैपन्स इन द पास्ट एज वेल। काफ़ी सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है जो अभी काफ़ी नुकसान में चल रहा है, क्योंकि वो बिटकॉइन माइन नहीं कर पाए, उनकी जो कॉस्ट थी, जो उनका एक्सपेंडिचर था, वो मीट भी नहीं कर पाए, उसमें लॉस में चल रहे हैं, एंड दैट्स द रियलिटी। चलिए देखते हैं व्हाई बिटकॉइन इज़ फॉलिंग, बिटकॉइन इतना क्यों गिर चुका है, कहाँ है। आप ये देखिए, अगर मैं इसको आपको समझाने जाऊँगा तो ये रिसेंटली जो बिटकॉइन का जो कहाँ तक तो चला गया था, US डॉलर में बात करता हूँ तो 63,000 US डॉलर पे पहुँच चुका था। और आज का प्राइस, अगर मैं आज आपको प्राइस बताना चाहूँ इसका, तो आज का प्राइस इसका आप मान लीजिए अगर 37,000 US डॉलर चल रहा है, यानी कि 37, 35, 31, ये और नीचे जा सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब और नीचे जाने की इसकी पूरी संभावना है। एक और बड़ा रीज़न इसमें यह है कि जब ये आपने देखा कि अगर मैं इंडियन INR की बात करूँ तो 55 लैक्स पे अप्रैल मई के महीने में चला गया था, लेकिन एक प्रोसेस है बिटकॉइन का जिसमें ये रिवर्सल होता है, रिवर्सल इन ब्रॉडर एक्सेप्टेंस, मतलब वो पीछे को आ रहा है अभी। अब ये इसका एक कह सकते हैं कि बिटकॉइन के एक एक स्ट्रेटेजी है कि अगर एक बार ये इतना इतना हाई लेवल पे गया है तो नीचे भी आ सकता है, दैट इज मोर कॉमन, तो इट्स काइंड ऑफ ए रिवर्सल। और सबसे बड़ा जो फेडरल अथॉरिटीज़ ने इसको मतलब एक बात कही है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, फेडरल अथॉरिटी ने कहा है कि आप इसको एक्सचेंज मत बोलिए, क्योंकि आप इसको जब एक्सचेंज बोलते हैं पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को रिलेटेड, तो एक्सचेंज नहीं है, और आप इसको एक्सचेंज का नाम मत दीजिए, क्योंकि एक्सचेंज वो होता है जहाँ पे, जैसे हमारे RBI कहता है, या यूँ मान लीजिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया आपका, जो SEBI के अंडर आ जाता है। उसके बाद दूसरे जो हमारे आते हैं, स्मॉल एक्सचेंजेस भी आते हैं, दिल्ली एक्सचेंज हो गया, अहमदाबाद एक्सचेंज हो गया, बहुत सारे एक्सचेंजेस आते हैं ऐसे। तो ये एक्सचेंज कह रहे हैं कि इसको एक्सचेंज का नाम मत दो, बिकॉज ये हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, एंड ये कि ये इल्यूजन क्रिएट करता है रेगुलेटेड एक्टिविटी में इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि एक्सचेंज क्या होता है। बहुत सारे आपने देखा होगा, वजीर एक्स एक्सचेंज है, दूसरा और भी इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, जैसे बिनांस हो गया, बिनांस फॉरेन में चलता है ज़्यादा, बहुत नंबर 1 एक्सचेंज है बिनांस, वो भी यूज़ होता है। तो कह रहे हैं कि एक्सचेंज का नाम मत दीजिए, और क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, और इसलिए लोगों में काफ़ी इसको लेके काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही हैं। तो उसने भी किया कि ऑल दिस फैक्टर लीड्स टू नियरली 11% प्लंज इन बिटकॉइन, 11% की गिरावट बिटकॉइन में देखी गई है तो अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कहने को 11% कह रहे हैं, वो उससे ज़्यादा गई है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया है बिटकॉइन में, तो बहुत
नुकसान में चल रहे हैं लोग। तो प्लीज़ ऐसे अपने हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट ना कीजिए। और आई होप यू एंजॉय एंड लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब शेयर एंड एक्टिवेट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट न्यूली अपलोडेड वीडियो इंस्टेंटली ऑन योर डिवाइसेस। थैंक्स फॉर योर टाइम और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए ताकि आपको भी इसमें नॉलेज मिले। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस हिमालय पुत्र को आगे बढ़ाइए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिमाचल में और हिमाचल के लोग इसको समझें जानें और अपना इन्वेस्टमेंट करके उसमें अपना प्रॉफिट ले सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम नया वीडियो लेके आऊँगा और आपको उम्मीद करता हूँ ये पसंद आ रहा होगा मेरा काम, मेरी मेहनत को एक अच्छा आप रिस्पॉन्स दीजिए और मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।